हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में फिफ्थ क्लास की ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट का। ये आपका कवर है बुक का। फर्स्ट यूनिट है आपकी आवर एनवायरनमेंट। इसका फर्स्ट लेसन है एनिमल आवर फ्रेंड्स, जो पशु हमारे दोस्त। आइए हम पढ़ लेते हैं इसको और आप ध्यान से देखिए इसको और साथ साथ बोलने की भी कोशिश कीजिए पढ़ने की वीडियो को। जहाँ कहीं से समझ में नहीं आता है वहाँ से पॉज करके या बैक करके दोबारा से प्ले कीजिए, और एक बार में समझ में नहीं आता है तो दूसरी बार आप वीडियो को देखिए। पहले लेसन को समझें, आइए करते हैं स्टार्ट। फूड इज़ द बेसिक नीड ऑफ लाइफ। भोजन हमारे जीवन की मूलभूत ज़रूरत है, यानी कि भोजन के बिना बेसिक जो वर्ड आया है वो आया है कि इसके बिना नहीं जीवित रह सकते। मूलभूत, सबसे मेन, जरूरी। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू सर्वाइव। सभी लिविंग थिंग्स को, जो भी सजीव वस्तुएं हैं, उनको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है। दे हैव ए कीन सेंस टू फाइंड देयर फूड। वे अपने भोजन को ढूंढने का या उनको पता लगाने का शौक रखते हैं, अपना भोजन को ढूंढते हैं। इफ़ वी पुट ग्रीन ग्रास इन फ्रंट ऑफ ए डॉग। यदि हम कुत्ते के सामने हरा घास रख दें, इट विल नॉट एवन स्मेल इट, वह इसको सूंघेगा भी नहीं। जब हम कुत्ते के सामने हरा घास डाल दें तो क्या वह खाएगा उसको? नहीं खाएगा, सूंघेगा भी नहीं। इफ़ यू पुट ए बॉयल्ड एग इन प्लेस ऑफ ग्रीन ग्रास। यदि हरे घास की जगह हम एक उबला हुआ अंडा रख दें, इट विल नॉट टेक ए लॉन्ग टाइम टू ईट, वह इसको खाने में ज़्यादा लंबा समय नहीं लगाएगा, यानी कि ज़्यादा देर नहीं लगाएगा। What happens when a piece of sweet falls on the floor? क्या घटेगा, क्या हो, घटना घटेगी या क्या हो जाएगा, क्या होगा जब एक मिठाई का टुकड़ा फर्श पर गिर जाए? After some time, you will see hundreds of ants around that piece. आप देखोगे कुछ समय बाद सैकड़ों, उधर जो hundreds ants हैं, सैकड़ों कीड़ियाँ या चींटियाँ आ जाएंगे उसके चारों ओर। फ्रॉम वेयर सो मैनी आंट्स कैम, ये कई सारी जो चींटियाँ आई हैं ये कहाँ से आई हैं? हाउ कुड दे सेंस द प्रेजेंस ऑफ फूड। उनको किस प्रकार से समझ आया, कैसे पता चला कि यहाँ पर भोजन रखा हुआ है? ये नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी। जब हमने यहाँ बात की है कि एक भोजन का हमें पता चल जाता है कुत्ते को, चींटियाँ को, ठीक है, बर्ड्स को, तो क्वेश्चन उठता है कि हाउ कुड दे सेंस द प्रेजेंस ऑफ फूड, कि उनको कैसे पता चलता है कि यहाँ पर भोजन रखा हुआ है। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कैसे पता चलता है। आइए, एनिमल्स सेंस टुवर्ड्स देयर फूड। जो एनिमल्स हैं उनको, पशुओं को, अपने भोजन की समझ किस प्रकार से होती है? एनिमल्स सेंस द वर्ल्ड इन ए वेराइटी ऑफ वेज। एनिमल्स जो हैं जो अपने जो समझ रखते हैं वो कई प्रकार से रखते हैं, ठीक है, कई तरीके हैं अपनी समझ रखने के, अपने आप को समझने के, अपना नॉलेज दिखाने का, समझने का। इंक्लूडिंग, इनमें शामिल है कैसे? बाई साइट, देख करके, हियरिंग, सुन करके, टचिंग, टच करके, स्पर्श करके, स्मेलिंग, सूंघ करके, एंड टेस्टिंग, चख करके। जैसे हम टेस्ट करते हैं चख करके, जीव के ऊपर रख करके कैसा है, वही। मैनी एनिमल्स हैव सेंस दैट ह्यूमंस डू नॉट हैव। कई सारे जो एनिमल्स हैं उनके पास ऐसी समझ है जो कि इंसान के पास नहीं है। ईच एनिमल हैज इट्स स्पेशल सेंस टू डिटेक्ट इट्स फूड। प्रत्येक एनिमल के पास एक स्पेशल सेंस है जो अपने भोजन को डिटेक्ट करते हैं, पहचानते हैं। सम शार्क कैन डिटेक्ट वन पार्ट ऑफ एनिमल्स ब्लड इन हंड्रेड्स मिलियन पार्ट ऑफ वाटर। कुछ शार्क हैं जो अपने भोजन को, जो हंड्रेड मिलियन पानी है समुद्र के अंदर या कहीं पर भी, वहाँ पर एक
एक पार्ट हो ब्लड का जो कि उनका भोजन है, फूड है, उसको भी पहचान लेते हैं। ईगल्स जो बाज है, फॉर इंस्टेंस कैन सी अ रैबिट मूविंग फ्रॉम एज फार एज 5 किलोमीटर अवे। जो बाज है वो अपने जो फूड है उसका, जो खरगोश, उसको 5 किलोमीटर दूर से भी देख सकता है मूविंग करते हुए, अर्थात चलते हुए। एक खरगोश को चलते हुए 5 किलोमीटर ऊपर से देख सकता है, ऊंचाई से ऊपर उड़ता रहता है ना। बाज यहाँ जैसे खरगोश चल रहा है, यहाँ ये ईगल है, ठीक है। ये ईगल यदि पाँच, इनका जो डिस्टेंस है ये 5 किलोमीटर हो तो यहाँ से वो देख सकता है। देखो नेक्स्ट हम देखते हैं, हेयर्स लाइक रैबिट्स, खरगोश के जैसा, हैव लॉन्ग ईयर्स, लंबे बाल, आइडल फॉर पिकिंग, कैचिंग करने में, पकड़ने में बहुत अच्छा, अप इन द फेंट साउंड्स, जो कैचिंग करके मतलब शांत आवाज़, फेंट आवाज़ मतलब एक बेहोश करने वाली है, बेहोशी की जो आवाज़ होती है, बहुत शांत धीमी आवाज़, हल्की आवाज़, वो निकालते हैं। आउल कैन हियर साउंड्स 10 times बेटर देन एनी ह्यूमन कैन। जो आउल है आपका, ठीक है, उल्लू है, वो हियर कर सकता है, सुन सकता है 10 गुना अच्छे से ह्यूमन से, जो हम जितना हम सुन सकते हैं इससे 10 गुना अच्छा एक आउल सुन सकता है। इट हैज सच कीन ईयर्स दैट इट कैन हियर द फैंटेस्ट साउंड्स। यह जो है अपनी जो आवाज़ है इन वो मतलब बहुत हल्की आवाज़, इट हैज़ कैन ईयर्स, जो बहुत हल्की आवाज़, कैन फैंटेस्ट साउंड, एक बेहोश जितनी आवाज़ होती है, बहुत हल्की आवाज़ होती है, वह सुन सकता है, और कितनी, इवन द डिस्टेंस साउंड ऑफ ए माउस फिट, कितनी हल्की आवाज़ सुन सकता है, कितनी धीमी आवाज़ सुन सकता है, एक जो चूहा होता है माउस, उसके पैरों की आवाज़ भी। अभी नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इन एनिमल्स, पशु जो भी हैं एनिमल्स हैं उनमें वार्तालाप या बातचीत किस प्रकार से होती हैं, वो अपनी बात किस प्रकार से समझाते हैं, आइए हम बात करते हैं। एनिमल्स आल्सो कम्युनिकेट अमोंग देमसेल्व्स इन डिफरेंट वेज। एनिमल्स जो हैं, पशु हैं, वो अपने आप को कम्युनिकेट, वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं अलग अलग प्रकार से, अपने आप में अलग अलग तरीके से। डॉग्स कम्युनिकेट थ्रू बार्क, यार्प, वाइंस, ग्रोल्स एंड हॉवल्स। देखिए आपने देखा होगा डॉग को, वो बार्किंग करके, भौंक करके करता है, यार्प मतलब धीरे धीरे रोता है, छोटा छोटा, थोड़े थोड़े, बिल्कुल ठीक है, वाइंस करके, ठीक है, मतलब लंबा लंबा रोता है, ज़्यादा देर तक रोता है। कई बार देखे होंगे आपने कुत्ते, कई तो छोटे छोटे रोते हैं, धीमे रोते हैं, ठीक है, वाइंस ऊँची आवाज़ में जोर से रोते हैं, ग्रॉल्स गुर्राते हैं, ठीक है, एक बार्किंग करना होता है और एक ग्रॉल्स गुर्राते रहते हैं, वो अपने आवाज़ अपने संकेत देते हैं। एंड हॉल्स, ठीक है, ये बिल्कुल एकदम मतलब तेज़ से गुर्राते हैं, भौंकते हैं, बहुत तेज़ से लड़ाई जैसे करते हैं एक प्रकार से, ठीक है। तो अपने अपने अलग अलग तरीके से कुत्ते अपने आप को। एप्स कम्युनिकेट बाय मीन्स ऑफ सिंबल्स। एप्स जो अब मंकी हैं, बंदर हैं, ठीक है, वो कम्युनिकेट करते हैं सिंबल के द्वारा, ठीक है, संकेत करके। फीमेल ग्लो वर्म्स कम्युनिकेट विद मेल बाय मेकिंग ए सीरीज ऑफ फ्लैशेस। जो फीमेल हैं वो अपने कम्युनिकेट करते हैं मेल्स के साथ, ठीक है, वो फ्लैश के एक पर कुछ इशारे करके, चमक दिखा करके, ठीक है, इस प्रकार से वो अपने सिंबल्स को करके अपने कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं। बर्ड्स कम्युनिकेट बाय देयर साउंड्स। जो बर्ड्स हैं, पक्षी, वो अपने आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं, साउंड्स के द्वारा, अपनी आवाज़ निकाल करके, किसी अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। एवरी बर्ड हैज ए डिफरेंट साउंड। प्रत्येक जो बर्ड है उसकी एक अलग आवाज़ होती है। इट अट्रैक्ट देयर बर्ड्स ऑफ द सेम टाइप। इट अट्रैक्ट, ये जो अट्रैक्ट करते हैं अदर दूसरे बर्ड्स को, द सेम टाइप, सेम टाइप से, एक प्रकार से, ठीक है। द बर्ड्स मेक टू सॉर्ट्स ऑफ साउंड।
दो प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं, जो बर्ड्स हैं वो दो प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं, सिंपल कॉल्स गिविंग वार्निंग, एक तो जो सिंपल कॉल्स जो तो मतलब साधारण तरीके से वार्निंग देना, दूसरा या फिर थ्रेट धमकी देना, तो धमकी देने वाली या वार्निंग देने वाली, दूसरा मोर कॉम्प्लिकेटेड सॉन्ग संग बाई सम मेल बर्ड्स, कुछ मोर कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा खतरनाक आवाज़ें निकालना, गाते हैं अपने आप में एक गीत टाइप में गाते हैं, गाने टाइप में जो मेल बर्ड्स हैं वो, अपार्ट फ्रॉम साउंड, अपार्ट फ्रॉम साउंड मैनी एनिमल ऑल्सो कम्युनिकेट थ्रू देयर टेल्स, जो आपका साउंड का जो पार्ट है या साउंड्स के का जो पार्ट से अलग मैनी एनिमल्स जो कई पशु हैं वो कम्युनिकेट करते हैं देयर टेल्स अपनी पूंछ से, इफ़ यू केयर योर पेट डॉग सी हाउ इट वैग्स इट्स टेल, यदि आपने एक कुत्ता पाल रखा है या कुत्ते की केयर करते हैं, पालतू जो कुत्ता होता है वो आपने देखा होगा अपनी पूंछ को किस प्रकार से हिलाता है, यानी कि अपने एक्सप्रेशन जो अपनी भावनाएं हैं फीलिंग्स को किस प्रकार से अपने मालिक के सामने या आपके सामने जो है शो करता है, ठीक है। तो ये इस फर्स्ट चैप्टर की का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आपको कल मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आप इस पार्ट को देखिए, फर्स्ट पार्ट को आपको रीड आउट कीजिए इसको। थैंक यू।